अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं लाहौरी मटन। तो लाहौरी मटन के लिए ये सब हमने चीज़ें ली हैं। इसके लिए हमने आधा किलो मटन ले लिया है और ये जो मसाले मैंने सब लिए हैं, जैसे जैसे डालूंगी आपको बताती जाऊंगी। अब हम मज़ेदार मटन लाहौरी कढ़ाई को हम बनाना शुरू करते हैं। ये हमने फ्राई पैन ले लिया है और इसके अंदर हमने ऑयल डाल दिया है। ये 150 ग्राम ऑयल होगा। इसके अंदर सबसे हम पहले मटन डाल और मटन को डालकर इसका गैस की जो आंच है हमें तेजी रखनी है अपने चूल्हे की और मटन को अच्छी तरह से भून लेंगे। अब इसको तेज आंच पे हमें मटन को 2-3 मिनट के लिए तेज आंच पर ही भूनना है। इसका जो मटन का पानी है वो पानी निकल जाए, उसके बाद में जो हम और बाकी मसाले डालेंगे फिर हम आपको। ये देखिए मटन ने अपना पानी छोड़ दिया है और अच्छे से ये भून गया है हमारा मटन। अब हम इसके अंदर डालेंगे सबसे पहले ये हमने अदरक लहसुन और 3 हरी मिर्च इसके अंदर डाली थी, इसका पेस्ट बना लिया है। और इसके अंदर हम डालेंगे 3 चम्मच, ये देखिए ये 3 चम्मच पेस्ट हमने ये वाला लिया है। ये देखिए इतना बड़ा चम्मच है, इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है। और इसको अच्छे से मिला लेंगे और 2 मिनट के लिए इसको इसके साथ हम भून लेंगे। तो हमने अदरक लहसुन और हरी मिर्च के पेस्ट में अच्छी तरह से मटर को हमने अपने को भून लिया है। और अब इसके अंदर हम डालेंगे प्याज का पेस्ट। ये हमने प्याज ले ली है और इसको बारीक पीस लिया है हमने और 4 चम्मच हम प्याज का पेस्ट डालेंगे। और इसको भी 1-2 मिनट के लिए भूनेंगे, उसके बाद में हम बाकी मसाले इसमें डालेंगे। प्याज को डाल के हमें 2 मिनट के लिए भूनना था मटन के साथ, ज्यादा इसको हमें भूनना नहीं है मसाले के साथ और हमारा ये भून जाएगा जो अदरक लहसुन का पेस्ट है और प्याज का। अब इसके अंदर हम ये सब मसाले डाल देंगे। ये मसाले हमने लिए हैं 1 चम्मच भर के हमने धनिया पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर है। नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं और 1/2 चम्मच गर्म मसाला। और ये कुछ साबुत मसाले हैं, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग और 2 हरी इलायची। अब इसमें गरम मसाला हम इसको बचा लेंगे, बाकी सब मसाले इसके अंदर हम डाल देंगे। अब ये सब मसाले डालकर हमें इतनी देर तक भूनना है जो इसका जो ऑयल है वो सब हमारे मटन के ऊपर दिखने लगे और मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भून जाए। इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है अभी से ही, तो हम इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं फिर हम आपको आगे दिखाएंगे। देखिए कितनी अच्छी तरह से मटन हमारा बहुत अच्छी तरह से भून रहा है। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है मटन लाहौरी कढ़ाई, बहुत मज़े की लगती है। और ये हमारा जो फ्राई पैन है कढ़ाई के जैसे ही है। आप चाहें तो इसमें कुकर में भी जला सकते हैं अपने मटन को, तो मटन हमारा जल्दी जल्दी आएगा, थोड़े छोटे पकड़े गए, इसलिए मैं इसमें ही बना रही हूँ कढ़ाई के अंदर। तो अब मैं गैस को स्लो कर दूंगी और इसको आराम से मसालों के साथ भूनने देती हूँ। गैस स्लो कर दिया था हमने और उसको ढक दिया था हमने। देखिए कितनी अच्छी तरह से भून गया है हमारा मटन, बहुत अच्छी तरह से मसाला भून गया है, बहुत अच्छी मसाले इसके अंदर खुशबू आने लगी है। और ये देखिए इसकी भूनने की यही पहचान है, देखिए पूरा घी अलग हो गया है और मसाला देखिए अलग हो गया है, पानी बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर। अब ये देखिए बहुत अच्छी तरह से भून गया। अब इसके अंदर हम टमाटर डाल देंगे। ये हमने 3 टमाटर ले लिए हैं और इनको अच्छे से काट लिया है। ये मीडियम साइज के टमाटर थे, बहुत बड़े टमाटर नहीं थे। और टमाटर के साथ अब मटन को अच्छी तरह से भूनेंगे, टमाटर का पूरा पानी निकल जाए तब तक हमें इसको भूनना है, फिर हम आपको दिखाते हैं। मटन को हम खोलकर देख लेते हैं। गैस को हमने स्लो कर दिया था टमाटर डालने के बाद में कि टमाटर अपना पानी बहुत अच्छी तरह छोड़ दें। और ये देखिए बिल्कुल ये नरम हो गया है और इनको आप इस तरह से अच्छे से पीस दीजिए। ये पूरी अच्छी तरह से भून गया है मटन, बहुत अच्छी तरह इसमें खुशबू आ रही है मसालों की, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाई। देखिए पूरे टमाटरों को हम इस तरह पीस देंगे। ये लाहौरी कढ़ाई में टमाटर इस तरह काट कर ही डालते हैं, इसलिए मैंने काट कर डाले हैं। आप इनको पीस कर भी डाल सकते हैं, मुझे आपको दिखाना था इसलिए मैंने काट कर डाला, वरना मैं भी पीस कर ही डालती, टेस्ट वही आएगा। इनको अच्छी तरह से पीस लेंगे और इसमें अब हम इतना पानी डाल देंगे कि मटन हमारा गल जाए। दो कप पानी डाल देते हैं उसके अंदर। अब इस पानी के अंदर मटन हमारा बहुत अच्छी तरह से गल जाएगा और गैस का फ्लेम जो है अभी हम फास्ट कर देंगे और इसको हम पकने देंगे, फिर हम आपको। मटन
मटन को हम खोल के देख लेते हैं। हमने बीच बीच में से भी खोल के देखा था, इसको चला दिया था। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी मटन लाहौरी कढ़ाई हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसके अंदर हम गरम मसाला और हरा धनिया डाल देंगे। थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे इसमें और हरे धनिया के पत्ते। ये बहुत ही मजेदार टेस्टी लाहौरी मटन कढ़ाई हमारा बनकर तैयार हो गया। इसको आप जरूर एक बार ट्राई करके देखिए, ये बहुत अच्छा बनेगा इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। और अगर आपको ये मेरा बनाई हुई मटन कढ़ाई अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, फिर आऊँगी एक नई रेसिपी लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।